नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश भगत। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में अपने आयु संबंधित जो है टॉपिक्स। आज अपन आयु संबंधित टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले एग्जामों में, हर एग्जाम में अपन को एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन अपन को मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान देकर इसको अच्छी तरीके से समझिए। हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट लिए भी पढ़ेंगे यानी कि वैसे भी पढ़ेंगे, और इसका शॉर्ट तरीके से जो है आयु ज्ञात करने का सिस्टम अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए, अपने पास समय का जो निर्धारण होता है उसी के अनुसार आयु का निर्धारण भी होता है। तो अब आप देखिए, हमारा समय होता है, समय का तीन भागों में बांट दिया गया है। इसमें देखिए, ये होता है हमारा भूत, और ये होता है भविष्यकाल, और यहां होता है वर्तमान। और वर्तमान की जो पोजीशन होती है वो होती है हमारी आज। आज यानी कि आज जो है वही वर्तमान। तो यहाँ आयु का निर्धारण अब आप देखिए किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर होता है भूत यानी कि पहले, इसको अपन पहले सबसे भी अपन इस्तेमाल करते हैं, और इसकी गणना होती है हमारी माइनस। तो अपन ध्यान देखें तो ये माइनस में अपना होता है, और भविष्य यानी कि बाद, इसकी गणना होती है हमारी प्लस में। और जो वर्तमान होता है, वर्तमान होता है वो आज की अवस्था को बताता है। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई गणना हमारी भूतकाल से वर्तमान में आएगी तो वो होगी प्लस में, और वर्तमान से भविष्य में जाएगी तो भी होगी प्लस में। अब देखिए, वर्तमान से यदि भूत में अपन जाते हैं तो वो आएगा माइनस में, और वर्तमान से भविष्य में जाएंगे तो गणना होगी हमारी प्लस में। तो देखिए आप, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति की आयु हमारी यहाँ पर 15 वर्ष है, वर्तमान में उसकी उम्र है 15 वर्ष, और हमसे कहा जाए कि यदि बताइए आप कि 5 साल पहले उसकी उम्र क्या थी। 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो दोस्तों, आज से अपन को पहले में जाना है, पहले गणना करनी है भूतकाल में, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस अपन 5 करेंगे तो बताओ कितनी रह जाएगी, 10 वर्ष। यानी कि हम आज से 5 साल पहले कितने साल के थे, 10 साल के। अब आप ध्यान से देखिए, यदि भूतकाल से वर्तमान में आना है अपन को, तो इसकी गणना अपन को करनी है किसमें, प्लस में करनी है। तो देखो, यदि वो कहता है कि एक व्यक्ति आज से 10 साल पहले, यानी कि 10 साल पहले वो कितने साल का था, आज से 5 साल पहले 10 वर्ष का था, कितने साल पहले, 5 साल पहले 10 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना का हो जाएगा। तो भाई, आज से 5 साल पहले 10 वर्ष का था, तो 10 में कितना आ जाएगा, 5 और जुड़ जाएगा, तो वो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर यदि वर्तमान से भविष्य में जाना है, अपन से कह दिया जाए कि भाई 5 साल बाद वो कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आज 15 का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो 20 वर्ष का हो जाएगा। अब अपन से कहा जाए कि यदि वो 20 यानी कि 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी, तो वो 5 साल पहले कितने का था, तो कितने का था भाई, 5 और कम कर देंगे, यानी कि भविष्य अपन को वर्तमान में जाना तो माइनस कम करेंगे, तो यहाँ पर 15 साल का वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन कॉन्सेप्ट पर चलते हुए, ध्यान देते हुए अपन को आयु संबंधित क्वेश्चनों को करना है। तो हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चनों का अपना टाइप, और प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो आप लोग, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और यह एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अपने वीडियो को पूरा देखिए। देख, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन। देखिए, तो देखो यहाँ पर अपन अनुपातों पर आधारित, यानी कि अनुपात पर आधारित देखें, जब दो व्यक्तियों की आयु का अपन को अनुपात दिया जाए। तो देखो यहां पर एक है इसमें समीना और एक है सुहा, तो दो है। मैं दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। तो देखिए, ये दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, ये दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात
5:3 हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? तो यहां पर इनकी वर्तमान आयु का अंतर पूछा है दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन में अंतर अपन से पूछ सकता है, दोनों की आयु का योग पूछ सकता है, प्रत्येक की अलग अलग आयु अपन से पूछ सकता है, समीना की वर्तमान आयु, सुहाना की वर्तमान आयु। तो अपन को ध्यान से देखना है, अपन प्रत्येक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं, अपन को सबको देखना है प्रत्येक को। तो देखिए, अपन बेसिकली यदि बात करें तो बेसिक किस तरीके से करते हैं इसको, वो भी ध्यान दीजिए, उसके बाद अपन देखेंगे शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो देखिए, दोनों ही अपन तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि बेसिक अपन देखते हैं, मान के चलो इनकी आयु है 7x मान ली अपन ने वर्तमान, और इसकी मान ली 3x। तो वर्तमान आयु मान लो इसकी 7x है, इसकी 3x है। तो यहाँ पर देखिए, बाद में कहता है कि भाई 6 वर्ष बाद, तो अपन जानते हैं कि भाई 6 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी है हमें, तो वर्तमान आयु में क्या जोड़ेंगे हम, 6 जोड़ेंगे ना भाई। तो इसकी समीना की आयु कितनी हो जाएगी, 7x+6, और इसकी आयु हो जाएगी 3x+6। और यहाँ पर इसका अनुपात दे रखा है, इसलिए दोस्तों अनुपात को अपन a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए अपन ने इसको इस तरीके से लिखा है, तो बराबर यह हो जाएगा 5/3। अब देखिए, दोनों को अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर यहाँ पर हो जाएगा 21x+18 और बराबर 5 × 15x+30। दोनों समीकरण बराबर हो चुके हैं, अपन को ट्रांसफर करना है, इसको इधर लेकर आए तो यहाँ पर हो गया 6x। अब देखो, इसको इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आती है हमारी कितनी, 2 है, ठीक है। x का मान 2 आ गया। अब अपन को ध्यान रखना है कि जो भी काम पूछता है यहाँ पर, अंतर पूछा है तो दोनों के वर्तमान आयु का अंतर देख लो, इसकी 7x है तो इसकी 3x है, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, बराबर 4x। जब अपन जानते हैं कि x की वैल्यू 2 है, तो x को अपन 4 से गुणा कर देंगे, तो इसकी अंतर कितना आ जाएगा अपना दोस्तों, 8 वर्ष। यदि अपन से दोनों की आयु का योग पूछता है, तो ये तो हो गया अंतर इसका 8 वर्ष, योग पूछता है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x। तो x की वैल्यू 2 है, तो अपन 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, ये दोनों का योग हो जाता है योग। अब मान के चलिए अलग अलग अपन से आयु पूछता है कि समीना की आयु क्या होगी भाई, तो आपने देखा कि समीना की वर्तमान आयु क्या है, 7x मानी है हमने, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो अपन 7 × 2 करेंगे तो 14 वर्ष इसकी हो जाएगी, और 3×6 वर्ष इसकी हो जाएगी। अब आपने देखा, ऐसे भी अपन अंतर याद कर सकते, 14 में और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। तो इस तरीके से ये तो रहा हमारा बेसिक इसका तरीका। अब अपन देखते हैं इसको शॉर्ट तरीके से, और विशेषकर ध्यान रखना है आपको स्टेपों का, भाई अपन को स्टेप किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो देखो, पहली स्टेप में करना क्या है, हमें जो बाद वाला हमारा अनुपात है, जो बाद वाला अनुपात है, उस अनुपात का अंतर लिखना है हमें सबसे पहले। तो 5 और 3 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में हमें करना क्या है, तो देखो सेकंड स्टेप है, जो समय इसके साथ आया है, इतने समय पहले, इतने समय बाद, जो भी समय आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखो, जो आपसे पूछा जाता है, जिसकी आयु पूछी जाए, अंतर पूछा जाए, योग पूछा जाए, उसी के अकॉर्डिंग काम करना। तो देखो, अपन से पूछा गया दोनों की आयु का अंतर, वर्तमान आयु का, तो इनकी वर्तमान आयु 7 है, इसकी 3 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये अंतर अपना निकल कर आता है, बताओ कितना, 4। तो यहाँ पर 4 डालेंगे। ये देखिए, सबसे पहले अपने पास इस अनुपात का अंतर, उसके बाद में अपनी जो समय है, वर्ष, उसके बाद दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर, योग पूछे तो योग। यदि आपको अलग अलग आयु पूछता है, समीना की आयु पूछता है तो इसकी आयु 7 है तो 7 लिखेंगे यहाँ, सुहाना की पूछेगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब अपन को दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वज्र गुणा करने के बाद दोनों का अंतर देखना, 7 या 21 हो गया इसमें,
पाँच तीन पंद्रह हो गया, इसमें दोनों का अंतर हो गया हमारा कितना छः, और यहाँ छः से छः तो इसका अंतर आ गया आठ वर्ष, अंतर हो गया हमारा आठ वर्ष। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो देखिए यहां पर है अपने पास मीरा और प्रिया, इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात है अपना 3:4। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु ज्ञात कर। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक बार ध्यान से सुनिए कि भाई मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात है हमारा 3:4। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:7। तो 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु क्या है? तो अपन को सबसे पहले मीरा की वर्तमान आयु चाहिए। तो अपन इसकी मीरा की वर्तमान आयु याद करेंगे। तो देखो वही स्टेप पिछले क्वेश्चन की तरह हमें ध्यान रखना, सबसे पहले नीचे दिए गए अनुपात का अंतर लेना। दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा 3 हो गया। उसके बाद जो हमारा टाइम दे रखा समय 10 वर्ष, ये 10 वर्ष हमने ले लिया। अब हमसे पूछा गया है कि मीरा की आयु पूछी गई है, तो मीरा की आयु कितनी है यहाँ पर 3 है, तो अपन ने 3 लिखा, बटा अपन करेंगे दोनों का वज्र गुणा करेंगे, ये इधर 21 होगा तो इधर 16 होगा। तो दोनों का अंतर हमारे पास कितना हुआ 5, और ये नीचे लिखा हमने 5। तो हमने इसको हल किया 9 × 18, तो 18 वर्ष यानी कि वर्तमान में, तो वर्तमान आयु इसकी हो जाती है कितनी 18 वर्ष। जबकि वो पूछ रहा है कि 5 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, तो 5 साल बाद तो इसमें अपन 5 और ऐड कर देंगे, तो 5 साल बाद इसकी हो जाएगी 23 वर्ष। ये देखिए, तो इस तरीके से इस टाइप्स के जो क्वेश्चन अपने पास बनने वाले हैं, इस तरीके से अपन इसको हल करेंगे। तो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंतर्गत इसी टाइप्स का। यहाँ है रंजना और राखी, तो रंजना की और राखी की वर्तमान जो आयु है, इस वर्तमान आयु का अनुपात है अपने पास 15:17। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी? तो अपन को 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु याद करनी है। तो इसी तरीके से अपन को हल करना है स्टेप टू स्टेप। अब आप देखो, सबसे पहले अपन रंजना की वर्तमान आयु याद करें। तो रंजना की वर्तमान आयु याद करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट जो काम करना है, तो देखिए सबसे पहले हमारा नीचे वाले अनुपात का अंतर देखना है, 9 × 10 का अंतर 1 हो गया। उसके बाद हमारी जो टाइम है कितना है 6 वर्ष। उसके बाद देखिए इन दोनों का गुणा करना है, यहाँ पर 150 हो जाता है, 17 × 9 अपना 153 हो जाता है, दोनों का डिफरेंस अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3। हाँ, इससे पहले अपन को रंजना की वर्तमान आयु लिखनी है 15, और अपन को नीचे लिखना है दोनों का डिफरेंस, ये
तो तीन अपना तीन दूनी छः और यहाँ पर यारी पंद्रह दूना तीस। अब तो ये आती है रंजना की वर्तमान आयु। अब वो कह रहा है भाई छः वर्ष के बाद, अब जितने भी वर्ष बाद पूछे जितने भी वर्ष पहले पूछे अपन को, तो वर्तमान के अनुसार उसकी गणना करनी है। बाद पूछ रहा है तो प्लस करना है, प्लस इसमें छः कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 37 वर्ष। यदि हमसे छः वर्ष पहले की पूछता है तो छः वर्ष पहले की पूछे तो अपन को माइनस छः कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ यदि अनुपात वाला सिस्टम अपन को प्राप्त होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो अपन को इस तरीके से हल करना है। अब आप देखिए इसी में अपन एक टाइप नंबर टू देखेंगे, इसी में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है, मगर उस क्वेश्चन को भी अपन इसी तरीके से हल करेंगे। तो आप देखिए तो देखो रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से चार गुना है। अब आप ध्यान दीजिए, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से चार गुना है। तो अब आप ध्यान दो, ये जो लैंग्वेज है इसको भी अपन इसी तरीके से करेंगे। इन दोनों के पहले वर्तमान आयु लिखेंगे। तो वर्तमान आयु, तो मान लो अपन जानते हैं कि भाई इसकी आयु एक वर्ष है तो इसकी आयु चार है, भाई चार वर्ष अधिक है, चार गुना है। अब कहता है कि पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु से नौ गुना थी, पुत्र की आयु से नौ गुना थी। तो इसकी अपनी एक, तो इसकी कितनी गुना, नौ गुना। तो अपन ने इसका भी अनुपात बना लिया। तब ये कहता है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये देखिए इस लैंग्वेज का क्वेश्चन है हमारा, इसको भी अपन को हल करना है। तो एक बार क्वेश्चन आप समझिए, ये कहता है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से चार गुना है, यानी कि वर्तमान आयु। वो कहता है कि पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से नौ गुना थी। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? अब आप ध्यान से, तो हमने इसको भी अनुपात में बना लिया। देखिए भाई चार गुना ज्यादा है, रमेश बड़ा है, तो मान लो इसकी एक है तो एक का चार गुना हो गया। अब वो कहता है पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु की नौ गुना थी, तो मान लो पांच साल पहले भी पुत्र की आयु कितनी थी, एक वर्ष, तो इसकी कितनी गुना हो गई, नौ गुना हो गई। तो अपन को ऐसे क्वेश्चनों को भी अनुपात के रूप में डालकर हल करना है। तो अब वही तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों का अपन को यहाँ पर चाहिए रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इन अनुपातों का अंतर हो गया हमारा 8, समय हो गया हमारा 5, इंटू रमेश की आयु हो गई हमारी 4, दोनों का गुणा करेंगे अपन, तो इसका तो हो गया 4, इसका हो गया 9, और दोनों का अंतर कितना हो गया 5। इसको अपन ने काट दिया तो 8 4 32, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 32 वर्ष। तो अपन से मान के चलो पुत्र की वर्तमान आयु पूछे, भाई पुत्र कितने वर्ष का है, तो आप जानते हैं यहाँ पर तो रमेश की आयु कितनी है, 4 अनुपात है, तो इस जगह पुत्र का आ जाएगा। तो अब आप देखिए पुत्र की भी चाहिए अपन को, तो 8 × 5, देखो यहाँ तक वही कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पिता की जगह पुत्र की आ जाएगी 1/5। तो अब आपने देखा यहाँ इसकी कितनी हो गई, 8 वर्ष। अब आप देखो यहाँ पर पुत्र की आयु से 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ रमेश, तो देखो 8 × 4 = 32, जब 8 वर्ष का ये है तो 32 वर्ष का ये हो जाएगा। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज के क्वेश्चन अपने बनेंगे इनको भी अपन इसी तरीके से हल करेंगे। तो चलो अपन इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तो देखो एक क्वेश्चन और अपन इसमें देखें इसी टाइप का। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो ये कहता है कि भाई एक तो इसमें पिता हो गया और ये सुरेश है, तो ये कहता है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। इस तरीके की लैंग्वेज है, तो अपन को अनुपात में बनाना। मान के चलो यानी कि सुरेश एक साल का है तो ये कितने का हो गया, दो वर्ष का, तो ये अनुपात हो गया इसकी वर्तमान आयु का। भाई सुरेश पिता की आयु से आधा है, तो दो वर्ष का पिता है तो एक वर्ष का सुरेश हो गया, पुत्र हो गया, यानी कि आधा हो गया, तो ये इसका पुत्र हो गया। अब आप देखिए आगे की लैंग्वेज क्या होती है इसमें। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से डेढ़ गुना होगी, यानी कि 20 वर्ष के बाद जो है पिता की आयु से डेढ़ गुना। तो देखिए डेढ़ गुना होगी। अब आप देखो यहां पर डेढ़ गुना होगा ही, ये डेढ़ गुना होगी, तो अपन से कह रहा है वो, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो दोस्तों पिता की वर्तमान आयु, तो अब आप देखिए ये अनुपात बनता है, तो 2 × 2 = 3, तो यहां अनुपात बनता है इसका 3/2 = 1। तो अपन जानते हैं कि अनुपात की अवस्था में ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यहां हमारा इसका अनुपात कितना बन जाएगा, अपन यहीं पर बना देते 3/2 के रूप में हो जाएगा। तो यहां अपन डाल देते हैं, देखो ये बन गया इसका अनुपात 3/2 हो जाएगा। तो यहां पर पिता की वर्तमान आयु अपन को चाहिए, तो पिता की वर्तमान आयु देखो वही सिस्टम से इसका और इसका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। कितने साल, 20 साल। किसकी चाहिए, पिता का 2 वर्ष। इधर इसका और इसका गुणा अपन करेंगे, ये देखिए तो 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, तो दोनों का अंतर कितना आ गया भाई, ये हो गया 3 × 1 = 3, तो दोनों का अंतर 4 और इसका 1 हो गया, तो 1 से 1 तो बराबर पिता कितने साल का हो गया, 40 वर्ष। अब अपन को मालूम है भाई पुत्र की आयु चाहिए, तो पुत्र का अनुपात कितना है, 1, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 1, तो पिता कितने का और पुत्र कितने का हो गया, 20 वर्ष। तो पुत्र की आयु हो जाती है हमारी 20 वर्ष। तो देखो पुत्र से कितना हुआ, दोगुना हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर कह रहा है बोले दोगुना है तो दोगुना हो गया। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें इस तरीके से हल करना है, और मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और बेल आइकन को तो आप ज़रूर से ज़रूर दबा ही देना, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जब तक के लिए जय हिंद।